हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऐसे बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। खबर जनपद बरेली के नवाबगंज तहसील के बबूरी गांव की है और यहां पर रामपाल नामक शख्स की पुत्री प्रियंका के साथ में छेड़छाड़ और उसके फोटो खींचकर फेसबुक पर वायरल करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें थाना लियोखड़िया क्षेत्र ने अभी तक कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में पीड़ित परिवार थाने के लगातार चक्कर काट रहा है और अभी उसको इंसाफ नहीं मिला है। हमारे संवाददाता जफरुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है आपका? रामपाल जी। रामपाल जी, कोई मैटर चल रहा है फेसबुक पे, आपकी बेटियों के फोटो जो डले हैं सुनने में आया है, तो ये सारा क्या मामला है? मामला जी है साहब, हमारी लड़कियों को रास्ता में जाते वो छेड़ते हैं। लड़की ने शिकायत करी, हमने उसके बाप से कही, उसने हमारी बात कोई गौर ना दो। फिर हमने आगे कानूनी कार्रवाई करी, उसने हमारी लड़की फोटो खींच के उसने नेट भी डाले, थ्रीव्हीलर में बैठ के गली में नोट डाल में थ्रीव्हीलर खड़ो हो, थ्रीव्हीलर उस समय चलते ना आए, और दो जून को 10 बजे दिन के फोटो खींच डाले। हमारी लड़कियाँ जा जगह बाजगा गई, रास्ता में जगह बजेगा घेरते लड़की को है और लड़की छेड़खाड़ करते हैं और उसके पास लहसंती बंदूक है, लड़कियों को लहसंती बंदूक की धमकी देता है। आपकी लड़की को पहले कभी छेड़ा था क्या? क्या पहले? पहले दरवाजे पे आओ तो उसके बाप में ताई शिकायत करी, उन्होंने हमारी बात कोई गौर ना दो, कैसे करें, हमने कानूनी कार्रवाई तक करी, सब काम करे। अब आप क्या चाहते हैं? आप साहब, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकदमा लिखो जाए। आप पुलिस में गए थे? हाँ, पुलिस में गए साहब। क्या आपको आश्वासन दिया पुलिस ने? उसके ताने से या ऊन से जाकर हमारी वो हटा दी गई साहब, कागज दूसरी एप्लीकेशन लगाए के उसको घर से फरार कर दिया गया। अब कोई 2 महीने तक घर नहीं आवे, अब वो फरार है आज तक, उसमें हमारी सुनवाई ना गई। हम उसकी नकल निकलवा के लाए, नकल निकलवाई, हमने CO वापस उनका दर्ज कर दी कागज अपनी। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ रहती हैं? बबूरी। अभी एक कोई मामला चल रहा है जो फेसबुक पे आपके कुछ फोटो वगैरह डाले थे, वो सब क्या मामला है? साहब मैं तो अपने घर से जा रही थी, पल्ले घर में जा रही थी, तो उसने मुझे छेड़ा था। मैंने अपने बाप के मम्मी के लिए बताया, इज्जत के लिए मैंने नहीं बताया था। अच्छा, उसने मेरे फोटो उठा रहे थे, मेरी बहन भी थी साथ जी, उसने डाल रहे थे। अच्छा, थाने गई थी? हाँ गए थे। शिकायत की थी थाने में? हाँ। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने पैसे उनने भर दिए थे। पुलिस के लिए पैसे भर दिए? अब वो गांव में है या पुलिस ने पकड़ लिया उसे? वो तो फूट उड़ा रहे थे, ऐसे ही फरार हो गया। क्या नाम है उसका? सुजीत कुमार कसेब। उसके पिता का क्या नाम है? दाताराम। अब आप क्या चाहती हैं? उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या इससे पहले भी कभी आपको उसने छेड़ा था? छेड़ा था। अच्छा, तो आपने कभी कुछ कहा नहीं था? अपने बाप बताई इज्जत के लिए नहीं कहा था। अच्छा, जब उसने आपके फोटो खींच के डाल दिए तब ये मैंने कहा था। आपको कैसे पता लगा था जब ये फोटो फेसबुक पे पड़े? गांव में देखे थे तो कही थी तो देखे। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि देवी। अंजलि देवी, कहाँ रहती हो? बबूरी। बबूरी, तुम्हारी बहन के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में बताओ। मैं साथ जा रही हूँ, आगे पीछे जा रही हूँ, और उसने फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिए, तो गांव वाले ने देखा, बदनामी करी थी, तो गांव वाले ने बताई, तो मेरे बाप मतारी ने चर्चा की थी, तो पुलिस गई थी, तो ऐसे कई गड्डी मुँह पे मारी, मैं अपने बाप को छुटा ला था, तई लड़का गया था, तो कई मैं अपने बाप को छुटा ला, ऐसे ही छोटे भैया ने कही
कहीं से अपने भैया छुटा लाऊंगा। रिपोर्ट दिए तो दबा दी, डिब्बा में डाल दी थी। कहीं कुछ नहीं कर पावे कोई, पैसा बहुत है। और कहीं हर दिन पैसा भरूंगा। क्या नाम है उस लड़के का? सुरजीत कुमार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको